आप सुनना चाहेंगे एक अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ वहां पे। अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज प्रेस टाइप वन। अपा सैम भाई दे नाम दा झंडा लैके खड़े हैं, मेरी जान लव यू है तेरे नाल। अभिराज सिंह व्हाट्स अप ब्रो, कल्ले बंदे ने धक्क पाती है। बहुत गलत हुआ भाई, यू आर द ओनली वन फ्रॉम इंडिया हु कैन इजीली बीट द रीसेंट फेक विनर। इटली प्रो शो का बताओ ना भैया। यस यू गाइस वाना नो व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, व्हाट वाज हैपनिंग ओवर देयर। मैं आपको बताता हूँ, सब एथलीट्स ग्रीन रूम में खड़े थे, मैं भी वहां पे था, अफरोज भाई भी थे, सिद्धांत भाई भी थे, और भी क्लासिक है जो नहीं खेल रहे प्रो एथलीट्स वो भी खड़े थे वहां पे। तो अब आप लोगों को तो पता ही है कि जब सैम बाबा बोलते हैं तो बात आवाज दूर तक जाती है ना। तो शो में IHFF जो शो हुआ था, ये शेरू क्लासिक जो हुआ था, उस शो में ग्रीन रूम में हम सब एथलीट्स खड़े थे। तो गले में टैग डाल के इनके ऑफिशियल्स कोई लड़के थे छोटे मोटे जो उच्चे उच्चे होते हैं ना, यहाँ नहीं खड़ना वहां नहीं खड़ना, वो लड़के आए, दो आए मेरे पास, भैया ग्रीन रूम खाली कर दो, यहाँ पे एथलीट्स ने टैनिंग करनी है। मैंने कहा ठीक है भाई कर रहे हैं, अभी खत्म कर रहे हैं। दो मिनट बाद पांच लोग मेरे पास आए, वो सिर्फ मुझे ही बोल रहे हैं कि यहाँ से आप सारे लोग यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे एथलीट्स ने प्रो एथलीट्स ने टैनिंग करनी है। तो मैंने उसको बोला कि भाई सिर्फ मेरी वजह से भीड़ है क्या यहाँ पे, मैं जाऊँगा तो खाली हो जाएगा। मैंने कहा हाँ भाई मैं समझता हूँ कि मैं जाऊँगा तो खाली हो जाएगा। तो मैं वहाँ से निकला, वो पांच के पांच लड़के मुझे बाहर तक छोड़ने आए कि जाओ, और बाहर गेट पे जो सिक्योरिटी वाले खड़े थे उनको उन्होंने स्पेशल पॉइंट आउट किया मेरी तरफ उंगली करके कि इसको अंदर नहीं आने देना, बाकी सब अंदर से इसको अंदर नहीं आने देना। तो मैंने कहा भाई 8-10 हज़ार लोग थे उस पूरे वेन्यू में, उन्होंने मुझे ढूंढा। तो देख सकते हो आप लोग द पावर ऑफ सुपर सैम है ना, दिस इज द पावर ऑफ स्पीकिंग ट्रू फैक्ट। तो भाई ऐसा है कि जिस स्टेज से आप प्रो बने हो, जिस स्टेज से खेल के आप प्रो बने हो, आपको वही प्रो शो नहीं खेल देखने दिया जा रहा है ना। तो मैं तो शो देखने गया भी नहीं था, मैं तो आप लोगों के लिए आया था वहाँ पे कि अपने भाइयों से मिलूँगा, और सबसे मिला भी। शो का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ हम खेलते नहीं वहाँ हम इंटरेस्ट दिखाते भी नहीं, इसलिए मैंने शो देखा भी नहीं। मैं अपने दोस्तों के साथ था, मैं अपने फैंस के साथ था, मैं अपने भाइयों के साथ था। तो मतलब भाई कहने का मतलब मोटा मोटा सिस्टम ये है कि सोच समझ के खेलो। आज जिस स्टेज से आप खेल रहे हो ना, कल को उसी स्टेज पे आपको शो देखने भी नहीं दिया जाएगा, अगर आप कुछ सच बोलोगे तो। कोई बाल, अरे रुबल भैया बाल तो क्या कोई टच भी नहीं कर सकता, वहां पर अकेला खड़ा था मैं। तो मतलब मुझे इस चीज से बहुत अच्छा लगा कि हमारी बोली हुई बात बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक। तो इट्स ओके, इट्स वेरी ओके, आई एम हैप्पी कि मैंने सच बोला, सच नहीं मैंने फैक्ट बोले, और लोग समझ गए और लोगों ने देख भी लिया है ना। तो इसे बोलते हैं डैम मोमेंट। भाई आप साहिल भाई के साथ जुड़े हो इसीलिए ये सब हो रहा आपके साथ, तो मैं बूंद है ना। जे किसी ने टच किया फिर मैं भी नाल ही खड़ा वो तो अपने देख लिया, वो तो हमने देख लिया भाई। पाजी भाई बताना नंगा करके, भाई आप तुम सबसे, भाई आप हमसे ज्यादा जानते हैं। क्वेश्चन है आपकी टैलेंट प्रो की स्टोरी शेयर करो जहां आप क्वालिफाइड होने वाले थे बट आपको फिफ्थ। हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं, छोटू लोग है भाई उन्हें चढ़ाया हुआ है, कुछ नहीं है कोई एथलीट के सामने। जी सरूज द इंस्पिरेशन, आई एम माई इंस्पिरेशन ब्रो सैम भाई, दम तो है आपने,
आपके नजरिए से, अरे यार मेरे नजरिए से कुछ नहीं होता, अरे मैं नहीं डरता किसी से, मेरा मेरा साहिल भाई के साथ कॉन्टेक्ट है, किसको किसी को रखना, मुझे लाल घेरे में रख ले मैं चित्तड़ पाड़। बाकी दूसरे ये बीबी प्रो को भी निकाल, हाँ वही तो मैं कह रहा था, मैं वही तो कह रहा था कि द पावर ऑफ सुपर फैम, मैं अकेला खड़ा था और उनको लग रहा था कि बहुत भीड़ खड़ी है यहाँ पे। यार थाईलैंड प्रो खेलने का मेरा बहुत मन है, क्योंकि मेरा पहला शो था तो मुझे ये था कि मैं वहीं जीतूं, लेकिन उस शो की डेट ही नहीं आ रही यार, उस शो की डेट ही नहीं है। अमन क्लासिक आ रहे भाई, पक्का आएंगे 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 पक्का आएंगे। डिडंट एक्सपेक्ट कि भुवन हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेगा। Very good decision, brother, for not competing in pro show. You save your money, save your energy, save your emotions. Yes, मैंने वो मुंबई में save कर लिया था भाई, वहाँ show खेल के सब खराब किया और उसी time सब ठीक कर लिया था।